मटर पालक का कबाब खाने में जितना स्वादिष्ट और टेस्टी लगता है, इसको बनाना उतना ही आसान है और इसको आराम से आप स्नैक्स के रूप में किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे देसी कुक चैनल में। सो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मटर पालक का कबाब। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज बन रहा है मटर कबाब, नहीं मटर और पालक का कबाब बन रहा है। देख सकते हैं ये आपका घर का ही पालक है। ये अब क्या क्या इसमें सामग्री लगेगा तो देखिए, ये है आपका एक आलू का, आपको पीस के आलू करना, कद्दूकस कर दिए आलू को, बॉयल करके। हाँ, ये आपका चार चम्मच आपका ये हो गया ब्रेड का, आपका बुरादा हो गया, इसको पीस लिए, ब्रेड का बुरादा हो गया। बीन्स है चार पांच को बीन्स। फिर ये आपका शिमला मिर्च हो गया थोड़ा सा, पुदीना का पत्ता, पुदीना का पत्ता हो गया, लहसुन हो गया, प्याज कटा हुआ प्याज हो गया, हरा मिर्चा, अदरक हो गया, चीसा हुआ अदरक हो गया, नहीं चुकंदर हो गया, ये आपका ऊपर से गोभी, ऊपर से गोभी है, हाँ, फूल है इसका, कद्दूकस क्या गोभी है, ना ऐसे फूल को काट दिए, फूल को काट दिए थोड़ा थोड़ा गोभी, ये हो गया। पानी कितना डालना है इसमें, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ठीक है। आपको पैन में थोड़ा सा पानी डालना है आपको, नहीं पानी में थोड़ा सा नमक आपको डालना है इसका। ये आँच क्या रहेगा, तेज आँच रहेगा क्या, थोड़ा सा आपको तेज आँच करना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा उबालना है इसको। तो देखिए कैसे मटर बन रहा है, मटर कबाब बन रहा है। थोड़ा सा चीनी डालो, थोड़ा सा चीनी, अब मटर इसमें डाल देना, नहीं ये मटर आपका फ्रिज मटर था, फ्रिज में रखा हुआ था, पालक तो उसको देखिए डाल दिए हैं हम लोग। अब देखिए पालक को भी डाल दिए हैं, ये घर का पालक है आपका। देखिए कितना दम इसका लग रहा है, दम इसका कलर देखिए कितना अच्छा पालक का आपका हुआ है घर का है। हाँ, ज्यादा उबालना नहीं, 5 मिनट का, 5 मिनट के लिए इसको उबालना है। अच्छा, इसको टोप दिए हैं, आपका हो गया है 5 मिनट के बाद, गैस को बंद कर दिए हैं। इसको आपको तेज आंच पे बॉयल करना था तो ये हो गया है। देखिए पालक साग इसको निकाल के आपको एक ठंडा पानी है उसमें डाल देना है। ये क्यों डालना है इसको ठंडा पानी में, ऐसा हरा रहेगा, इससे हरा हरा रहेगा ये, अच्छा फ्रेश रहेगा आपका। इसमें बर्फ डाल के आपका बर्फ वाला पानी में इसको हम डाल दिए हैं ये पालक साग को। मटर को छान देंगे, मटर को ऐसे ही छोड़ देना, अलग निकाल देना इसको, नहीं पालक का आपका पानी निचोड़ लेना है, ठीक से, नहीं अच्छा। ये आपका मटर हो गया, नहीं मटर को भी आपको दरदरा पीसना है, नहीं मटर और पालक दोनों का आपको दरदरा पीसना है। इसका पानी निकल गया, हाँ वो तो छन गया पानी सब। दरदरा पीस लिए हैं, दरदरा पीस लिए हैं, बिना पानी का आपको ऐसे मिक्सी में पीस लेना है इसको, बिना पानी का। देखिए मोटा आपका पीसा हुआ है, ज्यादा इसको नहीं पीसना है। और ये आपका पालक हो गया, पालक मोटा पीस, मोटा पालक आपका पीसा हुआ है। ये आपका भूंजा हुआ बेसन है, ये अंदाज से ही बेसन डलाएगा, ज्यादा बेसन ना, जीरा 2 चम्मच, 2 चम्मच भूंजा हुआ जीरा है ये, मिर्चा पाउडर, मिर्चा पाउडर आधा चम्मच भी कम, मिर्चा पाउडर, हींग है, हींग थोड़ा सा, हींग कश्मीरी मिर्चा पाउडर, कश्मीरी मिर्चा पाउडर कितना, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्चा पाउडर, चाट मसाला कितना, 1 चम्मच डालेंगे, ज्यादा ना, 1 चम्मच चाट मसाला, काला नमक, काला नमक 1 चम्मच, काला नमक छोटा सा चम्मच का, नहीं गरम मसाला 1 चम्मच, गरम मसाला ज्यादा, गोलकी का पाउडर, गोलकी का पाउडर आधा चम्मच, गोलकी का पाउडर, अजवाइन है कितना, थोड़ा सा फोरन, फोरन के लिए अजवाइन, कॉर्नफ्लोर कितना, 2 चम्मच, 2 चम्मच, 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर है, 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच तेल डालना है आपको एक पैन में, थोड़ा सा जीरा, खरा अजवाइन है, हींग है थोड़ा सा, इसको चला लेना है, आँच कम करके, कम आँच पे इसको चलाना है। प्याज है, लहसुन है कटा हुआ, प्याज आपका इसमें डलाएगा, प्याज डला गया, मिर्चा भी डला गया, नहीं सब डाल देना है इसमें भी, अदरक भी डला गया, प्याज मिर्चा अदरक वो पहले भून लेना है आपको, कितना देर इसको भूनना है,
ये भुंजा गया आपका अदरक प्याज। अब ये क्या डाल दिया, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च जो भी है और बाकी सब इसमें डाल देंगे, शिमला मिर्च बीन्स सब आपका इसमें डाला गया। इसको भी आपको भूंज लेना है ठीक से, 2 से 3 मिनट भूंजना है, 2 से 3 मिनट ही आपको इसको भूंजना है। इसको 2 मिनट हीट टोप दिए हैं। ये क्या काला नमक ऊपर से डाल दिए, थोड़ा सा काला नमक डाल रहे हैं। अब इसमें मटर डाल देते हैं, जो पिसा हुआ मटर था आपको इसमें डाल देना है। इसको भी भूंज लेना है, नहीं इसको भी आपको इसमें भूंज लेना है। आपको मटर को 1-2 मिनट में ही भूंजना है, कम आंच पे ही आपको इसको भूंजना है, बस 1 से 2 मिनट आपको मटर को भूंजना है इस तरह से। पानी छोड़ता है मटर, पानी छोड़ता है नहीं, अच्छा। अब पालक जो है इसको भी इसमें डाल देना है, इसको भी इसमें भूंज देना है ठीक से। तेल कम डालते हैं, थोड़ा सा घी डालते हैं, थोड़ा सा घी, हाँ, पालक में, हाँ। इसको भी आपको ठीक से आपको इसे भूंज लेना है। आँच कम ही रहेगा आपका, कम आँच में ही आपको 2 से 3 मिनट तक आपको इसको भूंजना है। ये भुंजा गया है, अब ऊपर से इसमें मसाला डाल देना है, क्या गरम मसाला, गरम मसाला 2 चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गुलकी पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, कितना, थोड़ा सा लाल मिर्च, इसको आपको ठीक से आपको मिला लेना है इसमें, देखिए इस तरह से। एक आलू पिसा हुआ, एक आलू उसमें डाल देना है आपको, कद्दूकस किया हुआ आलू जो है इसमें डाल देना है, इसको मिला देना है इसमें, नहीं हाँ कद्दूकस किया हुआ आलू है इसको भी इसमें मिला देना है आपको। अब इसमें आपका बेसन डला रहा है, भुंजा हुआ बेसन है ये, ये आपको अंदाज से ही डालना है इसमें, हाँ 1 चम्मच से आपको अंदाज से डालना है, भुंजा हुआ बेसन है, कितना डालना है, 2 चम्मच डालना है, डालना है जितना आपका होगा ये स्टफ होगा उस हिसाब से आपको इसमें बेसन डालना है, कम है तो कम डालो, हाँ इसको बेसन को मिला देना है इसमें, नहीं 1 चम्मच, हाँ 2 चम्मच हो गया आपका, इसको भी आपको बेसन को इसे मिला देना है ठीक से। ये कॉर्नफ्लोर कितना डालना है, 1.5 चम्मच आपका कॉर्नफ्लोर डाला है इसमें, इसको भी आपको मिला लेना है ठीक से इसमें। ये कम आँच पे ही है, कम आँच पे आपको इसको कर रहे हैं हम लोग, देखिए अब इसका ब्रेड का आपका बुरादा डाल दिए, 3 चम्मच आपका ब्रेड का बुरादा आपको इसे मिला देना है इस तरह से, इसको कम आँच पे ही आपको सब कुछ को भूंजना है और मिलाना है ठीक से आपको। ये आपका हो गया, मिल गया, हाँ, ये आपका ठीक से मिल गया है सब। अब इसमें बुता के आपको लास्ट में आपको नमक डाल देना है, स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजिए। गैस बंद कर दिए हैं, ये आपका हो गया है, घी लगा के इसको इस तरह से बनाना है, गोल गोल करना है, नहीं गोल गोल करके फिर इसको चिमटा कर देना है ऐसे थोड़ा सा, हाँ इस तरह से आपको, फिर इसके ऊपर काजू का टुकड़ा ऐसे लगा देना है, ऐसे लगा के दबा के आपका इसमें रख देना है, देखिए ये सब बन के रखा हुआ है, देखिए ये सब बन के आपका रखा हुआ है,
इसी तरह से आपको यही कबाब है, मैंने यही आपका कबाब है। अभी इसको क्या करना है, कैसे इसको फिर फ्राई करना है, इसको इसको फिर आपको फ्राई करना हल्का तेल में। देखिए इसी तरह से आपको इसमें इस तरह से रखना है इसको, बस इसको फ्राई करना है ऐसे। इसको फ्रीज में भी रख सकते हैं, नहीं फ्रीज में रख दे, जब आपको खाने का मन है तो आप दो तीन निकाल के फ्राई करके आप खा सकते हैं। तीन दिन तक, तीन चार दिन आप आराम से इसको फ्रीज में रख सकते हैं, यहाँ पर ख़राब नहीं होगा। देखिए सब लग गया है, अब बस इसको हल्का तेल में आपको उसको फ्राई कर देना है, नहीं अब एक सॉस पैन में आपको आधा कप तेल एक सॉस पैन में आपको लेना है। आप आज क्या रहेगा, गरम हो जाता धीरे, पहले गरम हो जाएगा तो फिर धीरे कर देना है आज को। तेल को हल्का गरम करना है, नहीं क्या तेल थोड़ा गर्म हो गया है, अब आँच को कम कर दिए हैं, नहीं अब देखिए अब इसी को आपको ब्रेड का बुरादा है ये, उसी में लगा के आपको इस तरह से रखना है। कम आँच पे ही आपको, कम आँच पे इसको सेकना है, फ्राई करना है वही। देखिए ये जो कबाब है उसमें आपको थोड़ा सा ब्रेड का बुरादा आपको इसे मिला लेना है, ब्रेड मिलाओ, सूजी वाला मिलाओ, सूजी मिलाओ या ब्रेड मिलाओ, नहीं हाँ। और फिर इसको रख देना है इसमें। ये आपका एकदम क्रंची टाइप का लगेगा ब्रेड का बुरादा मिलाने से, नहीं चारों तरफ से फ्राई कर लेना है। एक तरफ से हो गया नहीं, दूसरी तरफ से इसको भी पलट पलट के आपको फ्राई कर लेना है ठीक से। देखिए इस तरफ से ये आपका हो रहा है, देखिए आपका ये हो गया है, फ्राई हो गया है। अब इसको आपको निकाल लेना है, निकाल के आपको वो प्लेट में टिश्यू पेपर बिछा के उस प्लेट में आपको उसको रख देना है। देखिए इसी तरह से आपको इसको फ्राई कर लेना है इस तरह से। आपका पालक मटर का कबाब बन के तैयार हो गया है। ये स्टार्टर के रूप में ऐसे होता है, नहीं खा सकते हैं आप पालक मटर का कबाब, चाहे वो के साथ भी खा सकते हैं, नहीं आप चटनी के साथ लेकर चाय के साथ आप इसको खा सकते हैं, मीठा चटनी या धनिया की चटनी किसी के साथ भी लेकर आप इसको खा सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।